हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ एक फ़िश की रेसिपी। फिश जो मैं मूंग दाल के साथ बनाऊंगी, बहुत ही कम मसाला, मतलब मसाला इसमें ज़्यादा डलेगा ही नहीं, कोई मतलब जीरा धनिया या गरम मसाला कुछ नहीं डलेगा इसमें। बहुत ही हेल्दी और सिंपल रेसिपी है, पर ये मूंग दाल के साथ ना बहुत अच्छा लगता है। ये इस फिश का कम्बिनेशन जो है, रोहू या जैसे कातला फिश या किसी भी फिश के साथ हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम ऐसे कैसे बनाएंगे। ये मेरी फैमिली की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, मेरी जैसे मम्मी ने ये हमें बनाना। देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है ये फिश, कोई मसाला का यूज़ नहीं किया है, बहुत टेस्टी बनेगा ये फिश। एक सेकंड तड़का लगाएंगे और इसका टेस्ट ना बहुत बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका कुकिंग प्रोसेस। इसको बनाने के लिए यहाँ पे रोहू या कातला फिश हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कातला फिश लिया है, आधा किलो फिश लिया है यहाँ पे हमने। तो इसको क्या करेंगे, हम नमक और हल्दी डाल के अच्छे से इसको मैरिनेट करके 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिला सकते हैं मैरिनेशन के टाइम। तो आप क्या करेंगे, इसको जैसे हम मूंग दाल से बनाएंगे तो मूंग दाल को क्या करेंगे, पहले हल्का सा भून लेंगे 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम में हल्का हल्का करके ऐसे भून लेंगे। जैसे मूंग से बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी भूनने के बाद, तब हम गैस फ्लेम अप कर देंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो फिश के लिए ना आधा कप मूंग दाल लिया है। आप देख सकते हैं ये मेरा जो है मूंग दाल वो भून चुका है। अब हम इसको धो के ना 15 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, फिश को फ्राई कर लेते हैं। और फिश को फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, करीबन आधा कप मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे हमने यूज़ किया है। तेल जैसे ही गर्म होगा हम फिश को डाल देंगे। और जैसे 2-3 मिनट के बाद ना ऐसे पलटते हुए फिश को फ्राई करेंगे। यहाँ पे फिश को हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और फिश को क्या करेंगे, यहाँ पे हम अच्छे से मतलब थोड़ा सा कुरकुरा होने तक ऐसे फ्राई करेंगे। इस डिश में फिश अगर ऐसे हल्का हल्का कच्चा रह जाएगा तो ये टूट जाएगा, इसीलिए हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे मैंने फिश को फ्राई कर लिया है। अब हम चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फिर से अभी 2 चम्मच करीबन तेल यूज़ किया है। मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ होगा इस पूरी डिश में। तो मस्टर्ड ऑयल में हम डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच चीनी। जैसे उड़ीसा स्टाइल ये सब्ज़ी बन रही है, उड़ीसा में जनरली तेल में चीनी डाल के फिर हम प्याज वगैरह डालते हैं। तो एक चीनी से ना एक कैरामल फ्लेवर आएगा सब्ज़ी में और बहुत टेस्टी बनेगा। इतने चीनी से ना सब्ज़ी बिल्कुल मीठा नहीं होगा, पर एक हल्का सा इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो अब हम डाल देंगे 1 तेज़पत्ता, 1 से 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। और एक यहाँ पे हम डाल देंगे सूखा मिर्ची। और चीनी जैसे हम देखेंगे ना थोड़ा हल्का सा जैसे कैरमल हो जाएगा, यहाँ पे हम डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से, जैसे आप जितना तीखा खाते हैं उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अदरक लहसुन यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच हमने पेस्ट यहाँ पर डाला हुआ है। अदरक लहसुन को पेस्ट को अच्छे से हम भून लेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे 2 बड़ा प्याज। प्याज को हमने यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे काट के रखा हुआ है। और प्याज को भी हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं प्याज हमारा हल्का हल्का पिंक हो चुका है। अब हम डालेंगे यहाँ पे 1 टमाटर, 1 बड़ा साइज़ का टमाटर को ऐसे लंबे लंबे काट के हम यहाँ पर डाले हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है, पर ये बहुत टेस्टी बनता है। नॉर्मली चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में। अब हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर। और मसाला को हम ऐसे धीरे धीरे चलाते हुए भूनते रहेंगे। अब हम डाल देंगे थोड़ा सा इसमें पानी, जैसे हमारा मसाला नीचे ना लगे और अच्छे से भून जाए। आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा तेल यूज़ करके इस रेसिपी को आप बना सकते हैं।
तो हमारा जो प्याज और टमाटर का मसाला बन चुका है, अब हम डाल देंगे इसमें एक बड़ा साइज़ का आलू काट के ऐसे डाल देंगे और आलू को थोड़ी देर के लिए हम मसाले में भूनेंगे। आलू को 3-4 मिनट के लिए हम मसाले में भून लेंगे। अब हम जो मूंग दाल धो के हम 10-15 मिनट के लिए भिगो के रख दिए थे, वो मूंग दाल हम यहाँ पर डाल देंगे। ओडिशा की जो ऑथेंटिक डिश होती है उसमें बहुत सारी रेसिपी में मूंग दाल यूज़ होता है और वो बहुत टेस्टी बनता है। हम आगे की वीडियो में आप लोगों से शेयर करेंगे मूंग दाल से बहुत ऐसे सब्जियों के साथ भी ये बहुत टेस्टी बनता है। और थोड़ी देर के लिए ना हम 5 से 7 मिनट के लिए मूंग दाल को ढक के कुक कर लेंगे। और जैसे हम थोड़ी देर के लिए मूंग दाल को भिगो दिए थे, ये 7 से 10 मिनट में आराम से कुक हो जाएगा। हम बीच बीच में ऐसे चेक कर लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा गल जाएगा तो ये सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे मूंग दाल बॉईल हो जाएगा पर ऐसे खड़ा खड़ा रहना चाहिए इस सब्ज़ी के लिए। और आलू भी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ना येलो मस्टर्ड जो होता है, एक आधा छोटा चम्मच येलो मस्टर्ड का हमने पेस्ट बना के यहाँ पे रखा है, तो बस उसी पेस्ट को डालेंगे। इसी पेस्ट डालने से ना ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगा। आधा छोटा चम्मच येलो मस्टर्ड का पेस्ट यहाँ पे हमने यूज़ किया है। तो अब हम डाल देंगे पानी, और पानी डाल के अच्छे से हम इसको मिलाएंगे और 5-7 मिनट के लिए फिर से हम इसको कुक करने के लिए रख देंगे। जो मेरे चैनल में नए हैं, जिनको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरी जो भी न्यू वीडियोस होंगी वो आप मिस ना करें। तो इसमें अब हम डाल दिए फिश। फिश डालने के बाद ना इसको अच्छे हल्का सा ऐसे चलाते हुए हम इसको मिला लेंगे, फिर हम ढक के ना 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं फिश और ये सब हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। आप इसका टेक्सचर एक बार देखिए, दाल अभी भी खड़ा खड़ा है, मतलब ज़्यादा मैसी मैसी नहीं हुआ है, कोई थोड़ा सा दाल मैसी हो गया है जिसकी वजह से ये जैसे हमारा ये ग्रेवी बना है। थोड़ा सा आलू को हम ऐसे हल्का सा क्रश कर लेंगे इसमें। आप देख सकते हैं आलू हमारा जैसे हमने क्रश कर लिया था तो थोड़ा बहुत टूट चुका है। तो ये सब्ज़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर ना हम एक तड़का लगाएंगे। तड़का के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल में हम डालेंगे 1 सूखा मिर्च, और हम फिर से हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पंचफोरन। और पंचफोरन से ना ये जो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं। नॉर्मली हम इसको राइस के साथ खाना पसंद करते हैं। ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, मतलब बहुत दिनों से ये बनता आ रहा है मेरे घर में। जनरली फिश आती है तो हमारे घर में पहले डिमांड होती है इसी फिश की। तो यहाँ पे ना मैंने जो प्लेटिंग किया था उसकी वीडियो मेरे से क्लिप मेरे से मिस हो गया है। बस इसमें हम सब्जी फिश हमने निकाल दिया है प्लेट में, और उसके बाद हम ऊपर से इसका तड़का डाले हैं, और थोड़ा सा धनिया पत्ता के साथ हमने यहाँ पर सर्व किया है। आशा करती हूँ ना ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा बनेगा। आप इसको रोहू फिश के साथ भी बना सकते हैं। जनरली ये ना कतला फिश के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। पर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।